नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी बारिश आती थी तो हमारी माता बहनों को पूछिए, वो सबसे ज्यादा अगर सबसे ज्यादा चिंता करती थी तो अपने ईंधन की करती थी, क्योंकि आप तो इधर उधर से जाते थे, घर में जाकर के बैठ जाते थे, हमारी माता बहनें खाना बनाती थी, खाना बनाती हैं तो उनको चिंता भी रहती है कि खाना कैसे बनेगा, वो ईंधन को सुरक्षित रखती थी, लेकिन हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज अगर घर पर जाते हैं तो पहले चाय वाले के चाय की कहते थे तो ईंधन इकट्ठा ईंधन लाते थे जब बनाते थे, अब तो आराम से बटन घुमाया और गैस पर थोड़ी देर में चाय बन करके अतिथि का सत्कार भी हो जाता है और मेरी माता बहनों को धुएं से भी दूर रहना होता है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं कि ये हमारे गरीब कल्याण की योजना है। आज महसूस होता है उस गरीब को कि हाँ, हमको सरकार के द्वारा सहायता मिलती है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया था। कांग्रेस का कभी गरीब से किसान से कभी भी कोई संबंध नहीं रहा। अरे मैं कहना चाहता हूं राहुल जी, अरे आपकी दादी जी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया, आपके पिताजी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया, बीच में मनमोहन सिंह जी भी देकर के चले गए, सोनिया जी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। अरे आप गरीबी हटाओ को नारा दे रहे हैं, आप कब तक इस गरीबी हटाओ को नारा दे करके इस देश की और प्रदेश की जनता को कब तक लूटने का काम करोगे, कब तक लूटने का काम करोगे? और हर घोषणा पत्र में आप देख लो, इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया है। मैं कहना चाहता हूं, अगर गरीबी हटाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपको पता है मेरे भाई और बहनों, तीसरी बार सरकार बनते ही और पहली फाइल थी तो या तो किसान की थी जिस पर हस्ताक्षर किए, या हमारे गरीब भाइयों की तो उनको मकान बनाने के लिए स्वीकृति जारी की थी। आज किसी भी गांव में देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना आपको हर गांव में मिल जाएगी, उस मेरे गरीब भाई को मकान भी मिलेगा और साथ में शौचालय भी मिलेगा, और गरीब भाई को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के माध्यम से बिजली का कनेक्शन भी मिलेगा। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर किसान के लिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि चार जातियां हैं और वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर, और मैं कह सकता हूं कि इन साथियों में पूरा सब कुछ समाया हुआ है, क्योंकि अगर युवाओं की कोई चिंता करने वाले हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और हमारी माता बहनों की चिंता करने वाले हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर किसान की चिंता करने वाले हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर 10 साल के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है ये आपको देखने को मिलेगा। अरे 2014 से पहले जो घोटाले होते थे, अरे वो तो गिने भी नहीं जाते थे। कांग्रेस के घोटालों को पूछ लेना, मेरे बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं, जरा वोट डालने से पहले एक बात जरूर सोच लेना और उन लोगों से कहना जो आज भी अंधेरे में हैं, क्या 2014 से पहले के पेपर निकलवा के देख लीजिए,
आए दिन घोटालों की आवाज आती थी, लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले होते थे। अरे जमीन में भी घोटाला होता था, आकाश में भी होता था और पाताल में भी घोटाला होता था। मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या 10 साल के अंदर हरियाणा में कोई घोटाला आपने देखा है? किसी घोटाले को आपने सुना है? अरे वो घोटाले का पैसा किसका था जो पहले ये करते थे? वो आम जन का पैसा था। आज डबल इंजन की सरकार उस पैसे को गरीब जनता में लगाने का काम कर रही है, गरीब जनता में लगाने का काम कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि आपने देखा होगा आज से 8.5-9 महीने पहले राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी। आपने देख लिया ना, क्योंकि आप पड़ोसी हैं, आपको भी पता होगा मेरे राजस्थान के युवा किस तरह से उनके आंखों में आंसू लाने का काम किया। हमारे उन किसान के पुत्रों को, हमारे उस मजदूर के पुत्रों को पेपर होते थे और पेपर आउट हो जाते थे। पेपर घोटाले कितने हुए, 19 में से 17 पेपर लीक करने का काम किया। और हमने चुनाव से पहले कहा था, और चुनाव से पहले हमने युवाओं से कहा, हमने किसान से कहा, हमने मजदूर से कहा कि आप चिंता मत करिए, जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू देने का काम किया है हम उसको किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं है। और आपने देखा राजस्थान के अंदर 2-4 सेट डेली के बंद हो रहे हैं, लगभग 160 लोगों से ज्यादा जेल की सलाखों में बंद हैं। अभी तो वो मछली आई है, लोग कहते हैं मगरमच्छ कब आएंगे, स्टार्टिंग हुई है। आने वाले समय में जो जिन्होंने घोटाला किया है राजस्थान में एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि यह डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा, क्योंकि हमारा किसान का बेटा, हमारा मजदूर का बेटा सीमा पर जाकर के देश की रक्षा करता है, देश की सेवा करने का काम करता है। आज राजस्थान, हरियाणा ऐसे जिले हैं जिसमें हर दूसरा तीसरा बच्चा राजस्थान और हरियाणा का देश की सीमा पर रक्षा कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, वन रैंक वन पेंशन 40 साल हो गए, क्या कांग्रेस ने कभी उस पर सोचने का, विचार करने का काम किया? हमारे उस किसान के बेटों को अगर सोचने का काम किया वन रैंक और वन पेंशन का, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये लोहारू की धरती किसान और जवान की धरती है, क्योंकि मेरे पड़ोस में भी आप देखते हैं सीमा लगी हुई है। मेरे झुंझुनू में, सीकर में, चूरू में, लोहारू में और इस इलाके में किसान का बेटा सीमा पर रहता है, सीमा पर रह के रक्षा करता है सीमा पर। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर ये भी काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अरे मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिस तरह से हरियाणा के अंदर, जैसा मैंने बताया, शासन काल में लूट हुई थी, ऐसे ही राजस्थान में भी हुई थी। हमने कहा हम उनको भी